हे गाइस वेलकम बैक दोस्तों, फाइनली 0.17.0 का अपडेट आ गया। एंड अगर आपके फोन में अभी तक अपडेट नहीं आया है तो कैसे आएगा ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताऊंगा क्या क्या आया है नया 0.17.0 के अपडेट में। बहुत सारी नई चीज़ें हैं तो आप इस वीडियो को देखते रहो। अगर दोस्तों आपको फ्री में सीजन 12 का रॉयल पास चाहिए ना, सो गाइस बस आपको पॉपुलरिटी दे के टॉप 3 में आना है। टॉप 3 में अगर आप आ जाते हो सो गाइस आपको फ्री में हर सीजन का रॉयल पास मिलेगा। सो ये हमारा हर टाइम का हुए हैं, सो आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो गाइस चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपडेट कर लिया है इसे प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर में इसका अपडेट आया है एंड जो सबसे पहली नई चीज़ आई है वो है मैप, जहाँ दोस्तों हमें आर्केड मोड में एक न्यू मोड दिखाई देगा जिसका नेम है हार्डकोर मोड। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं जो कि एकदम समझ सकते हैं कि पबजी पीसी जैसा है। सो अगर आप पबजी पीसी कभी खेले हो तो आपको ये एकदम पसंद आएगा, अगर नहीं खेले हो तो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगेगा। एंड साथ ही साथ अरीना में कोई भी नया मैप ऐड नहीं हुआ है। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं प्ले लैब में से दोस्तों जॉम्बी मोड एंड साथ ही साथ आपका रेस गियर पिकअप जो था वो हटा दिया गया है। यहाँ पे रेस गियर टीडीएम एंड पेलोड मोड आपको दिखाई दे रहा है, बस दो ही मैप यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं। सो ये नई नई चीज़ें आई हैं मैप वाले सेक्शन में। एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पे न्यू गन की बात कर ले तो हमारा जो DBS शॉटगन था वो फाइनली ऐड हो चुका है। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं मैं ट्रेनिंग रूम में आके आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये सब इजीली जो है अवेलेबल है। सो ये हमारा पावरफुल शॉटगन फाइनली आ चुका है जो फ्लेयर में एंड एयर ड्रॉप में आपको देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों आपको एक और न्यू चीज़ यहाँ पे दिखाई देगी वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जहाँ दोस्तों आपका जो यूजी था अब आप उसमें रेड डॉट एंड होलो लगा सकते हो, जो कि मैंने आपको पैच नोट में बताया था कि ये भी अपडेट आने वाला है। एंड फाइनली दोस्तों यहाँ पे आप आपके सामने लाइव देख सकते हो, यहाँ पर मैं रेड डॉट एंड होलो ले लेता हूँ एंड यहाँ पर आपके सामने मैं इसमें लगा के दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आप जैसा कि खुद देख सकते हैं सो ये एक बहुत ही कमाल की अपडेट है क्योंकि यूजी को ऐसे ही चलाने में मज़ा नहीं आती थी एंड ये भाई क्लोज रेंज में तो आपको पता एकदम तबाही है। सो अब आप इसका और ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हो, आई नो बहुत ही ज़्यादा ये अच्छी चीज़ पबजी वालों ने कर दी है। एंड उसके बाद आइए और भी देखते हैं इसमें क्या क्या नई चीज़ें आई हैं, सब कुछ बताता हूँ। दोस्तों व्हीकल की बात कर लें तो यहाँ पे जो हमारी डासिया है वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी है, जहाँ दोस्तों डासिया का न्यू मॉडल आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप स्किन लगा दोगे तो आपको वही पुरानी वाली डासिया जैसी फील आएगी कि आपका वो पुराना वाला डासिया है, लेकिन जब तक स्किन नहीं लगे रहेगी तब तक आप देखोगे तो आपको न्यू मॉडल की डासिया एंड UAZ दिखाई देगी। यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं सो ये आपका न्यू मॉडल का आपको देखने को मिल जाता है UAZ एंड साथ ही साथ डासिया। तो ये मतलब कि नई चेंजेस की गई है पबजी वालों ने एंड इसकी भी अगर स्किन लगा दो तो कुछ समझ में नहीं आता कि ये भाई पुरानी है या फिर न्यू है। यहाँ पे आप देख रहे हो पुरानी जैसी ही बन गई, कोई भी स्किन लगा दो ऐसा नहीं है। इस बंदे ने स्किन लगाई थी तो देख सकते हैं पहले वाली ही एकदम लग रही है सेम टू सेम, लेकिन स्किन नहीं लगाओ तो एकदम न्यू मॉडल की दिखाई दे रही है। साथ ही साथ दोस्तों आपको एक न्यू सेटिंग दिखाई देगा यूनिवर्सल मार्क करके, अगर आप इसे एनेबल कर देते हो सो गाइस आपको न्यू मार्किंग सिस्टम दिया जाएगा। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं जो कि एकदम पूरी तरह से चेंज है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी कमाल का ये, मुझे बहुत ही ज़्यादा ये फीचर पसंद आया पबजी वालों का। यहाँ पे आप जैसा कि खुद देख सकते हैं सो ये नई चीज़ हमें देखने को मिल रही है पबजी मोबाइल में, पहले ऐसा कभी भी नहीं देखा गया था लेकिन अब ये चीज़ देखने को मिलेगी एंड बहुत ही ज़्यादा क्विक है एंड बहुत ही इजीली आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ही कोई बंदा दिखा वहाँ पे अटैक कर दो, यहाँ पे आपको डिफेंस करना है, सब कुछ इसमें आपको दिखाई देगा। सिर्फ आपको एक क्लिक में जो है ये सारी की सारी फीचर्स देखने को मिल जाएंगी, मतलब समझ सकते हो क्विक मार्क एंड कहाँ पर अटैक करना है, फटाक से अटैक का मार्क कर सकते हो ताकि आपके टीम मेम्बर को कन्फ्यूज़न ना हो कि हाँ भाई इस घर में अटैक करना है। एंड साथ ही साथ दोस्तों आपको एक और न्यू चीज़ देखने को मिलेगी वो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर ब्लाइंड मोड, तो ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। अब आप अपने हिसाब से रेड जोन एंड ब्लू जोन के कलर को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 4 डिफरेंट कलर दिया गया है जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो चारों कलर को आप यूज़ कर सकते हैं। पहला जो है वो तो नॉर्मल है, बाकी यहाँ पर 3 अलग अलग डिफरेंट कलर के हैं। सो आप इनमें से जो भी आपको पसंद आता है ना सो गाइस आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप जैसा कि देख लीजिए मैंने अपना चेंज कर दिया। सो ऐसे ही दोस्तों आप इस कलर ब्लाइंड मोड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं एंड पबजी मोबाइल को और ज़्यादा बेहतरीन बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नई अचीवमेंट की बात कर ले तो यहाँ पर हमें कुछ न्यू अचीवमेंट देखने को मिलेगा, 3 नया अचीवमेंट ऐड हुआ है।
सो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ क्रिटिक वन करके यहाँ पे अचीवमेंट दिखाई देगा, जिसे अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपको 5 क्लासिक क्रेट कूपन मिलने वाला है। सो आपको इसमें सिर्फ आइटम्स को जो है रेड करने होते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। एंड उसके बाद यहाँ पे एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का एक नया अचीवमेंट है, सो आप इसे भी जो है कर सकते हैं। केक वगैरह का जो केक है उसे आपको खाना है, आई थिंक यही करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और न्यू है आर्कटिक मोड के लिए, यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं आर्कटिक सर्वाइवर करके है ये, लेकिन ये मोड अभी आया नहीं है आपके पबजी मोबाइल में। मैंने मैप में दिखाया आपको जैसा कि ये मोड अभी आया नहीं है, आने वाले दिनों में आएगा, यानी कि 12 तारीख तक ये आपको पबजी मोबाइल में दिखाई देगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो 12 तारीख को आने वाली हैं, 12 तारीख यानी कि नया रॉयल पास के बाद या फिर आपको दिखने को मिल जाए, सो हो सकता है। एंड न्यू कैरेक्टर कार्लो भी दिखाई देगा। एंड उसके बाद दोस्तों हमें न्यू वॉल्यूम कंट्रोल दिखाई देता है यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं। एंड दोस्तों इससे क्या होगा, आप अपने जो टीममेट्स हैं ना उनके वॉल्यूम को ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं। जहाँ दोस्तों जैसा आपको चाहिए, अगर नंबर 2 ज़्यादा वॉइस कर रहा है, नॉइज कर रहा है, सो आप उसे इजीली कम कर सकते हैं। पूरा म्यूट नहीं कर सकते, म्यूट भी कर सकते हो, मीन्स आपको बता रहा हूँ कि उसकी वॉल्यूम को आप कम कर सकते हो। एंड साथ ही साथ बहुत सारी इसमें चेंजेस दी गई हैं, तो ये काफ़ी बेहतरीन फीचर है, क्योंकि काफ़ी बार यार रैंडम बंदे परेशान कर देते थे। एंड उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे बताऊँ एक न्यू फीचर देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रदर्स इन आर्म्स। इसमें दोस्तों आप मतलब कि जो नए नए पबजी मोबाइल के प्लेयर आएंगे उनको आप ट्रेन कर सकते हैं। जहाँ दोस्तों अगर आप उनको ट्रेन करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ रिवॉर्ड वगैरह मिलेगा। अगर आप 150 बंदों को आई थिंक ट्रेन कर दोगे तो आपको एक मतलब टाइटल मिलेगा जिसका नेम है स्पेशल ट्रेनर। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हो, सो आपको इसके लिए 150 बंदों को आई थिंक ट्रेन करना पड़ेगा तब जाके मिलेगा, या फिर 150 पॉइंट अर्न करने पड़ेंगे। ये क्या है अभी इसे यूज़ करने के बाद हमें समझ में आएगा, बट यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे उसके बाद क्लासिक रेट कूपन स्क्रैप भी रिवॉर्ड में है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं, बट उसके लिए आपको कुछ बंदों को ट्रेन करना पड़ेगा। सो ये चीज़ है। एंड साथ ही साथ दोस्तों अगर एक न्यू चीज़ आपको दिखाऊँ तो है, इसके लिए बस आपको पैसे देने होंगे, वह है रेडियो करके। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं ये फीचर तो पता नहीं क्यों दिया है, इसके लिए दोस्तों आपको कुछ यूसी खरीदने पड़ेंगे, खरीदने के लिए आपको पैसे लगेंगे। यहाँ पे ये कुछ रेडियो मैसेज है जिसे आप पूरी की पूरी मतलब समझ सकते हो ना, हर जगह आप सेंड कर सकते हो, तो इसके लिए बस आपको कुछ खरीदना पड़ेगा। इसके मतलब की कॉस्ट क्या है वो सब मैं आपको दिखा देता हूँ शॉप में अगर आप आते हो। यहाँ पे मैंने इसे देखा था, ये फीचर सच बताऊं तो मुझे बहुत ही बेकार लगा, पता नहीं क्यों पबजी वालों ने ये फीचर ऐड किया है। इसके लिए दोस्तों आपको 60 यूसी यानी कि 60 रुपये तक आपको खर्च करने पड़ेंगे इसे यूज़ करने के लिए, एक मैसेज करने के लिए। तो यार इतना तो हम अपने मोबाइल में नहीं खर्च करते, तो यहाँ पे क्यों खर्च करें यार, सच में यार। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है रेडियो करके, तो इसको आपको परचेज करना पड़ेगा 60 यूसी का, तब जाके आप रेडियो मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर सकते। तो यार सच बताऊँ तो ये पूरा का पूरा वेस्ट है, कभी भी भूल के भी इसे मत परचेज करना। अगर ज़्यादा आपके पास यूसी है तो आप कर लो यार, क्या कर सकते हैं। एंड दोस्तों आपको एक न्यू फीचर दिखाई देगा रिमाइंड मी करके, यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं जो भी बंदे मैच में रहेंगे उन्हें रिमाइंड मी आप भेज सकते हैं। एंड जैसे ही वो एक्सेप्ट करते हैं उसके बाद आपको एक मतलब कि नोटिफिकेशन टाइप का आपके लॉबी में आएगा। अभी आपको मैं दिखा दूंगा, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सामने वाले बंदे को भेजा है, एंड वो जैसे ही उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा तो हमारे पास एक रिमाइंड मी करके ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं आ चुका है। तो जैसे ही आप ओके कर दोगे तो उसके बाद आप साइंड अप हो जाओगे। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही वो बंदे का मैच खत्म होगा वैसे ही वो ऑटोमेटिक आपके टीम में आ जाएगा, एंड आप दोनों साथ में खेल सकते हो। सो ये एक नई चीज़ जो है पबजी वालों ने ऐड करी है, ये काफ़ी बेहतरीन फीचर है, आपको मैसेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड जो आपका पैरासूट लैंडिंग था वो भी पूरी तरह से चेंज हो चुका है। जहाँ दोस्तों यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं गुलाटी मार के आपका बंदा नीचे आने वाला है, तो ये पैराशूट की न्यू लैंडिंग जो है पबजी वालों ने ऐड कर दी है, तो ये काफ़ी उमदा फीचर है। ये पहले था या फिर अभी ऐड हुआ यार, इतना थोड़ा सा इसमें मैं कंफ्यूज हूँ, तो आप लोग थोड़ी सी हेल्प कर देना नीचे कमेंट बॉक्स में, बता देना ये पहले था या फिर नहीं। एंड गाइस साथ ही साथ आपका जो प्लेयर था अगर आप उसे एक जगह खड़ा कर दोगे तो थोड़ी बहुत जो है हरकतें करेगा, लाइक यहाँ पर अभी आपको मैं दिखा दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसे थोड़े टाइम के लिए खड़ा कर दिया था, तो ये कुछ ना कुछ हरकतें मतलब कि जैसे रियल इंसान करते हैं थोड़ा बहुत मूवमेंट करते हैं, सो वैसे ही ये थोड़ा बहुत जो है मूवमेंट करेगा। तो ये एक नई फीचर ऐड हुई है, सो ये पबजी मोबाइल में अगर आपका कैरेक्टर जो है कहीं खड़ा रहेगा तो ऐसे ही कुछ मतलब कि देख सकते हो जोकर टाइप की हरकतें करने वाला है। एंड उसके बाद दोस्तों जो हमारी किल मैसेज थे वो पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं,
यहाँ पे आप देख सकते हो जो किल मैसेजेस हैं जो आ रहे हैं वो पूरी तरह से एकदम चेंज हो चुका है, एकदम अलग ही हटके आ रहा है। सो ये एक नई चीज़ जो है आपको देखने को मिल रही है आपके पबजी मोबाइल में। अगर आप गेम खेले होंगे तो आपको ये मैसेज पे जो है नोटिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे मैं खुद पे नेट करने जा रहा हूँ ताकि मैं जो डेथ रिप्ले वाला सेटिंग है वो तो मुझे यहाँ पे मिला नहीं, बेसिक में मैंने काफ़ी खोजा बट यहाँ पे अब मैं ट्राई करने वाला हूँ। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हो मैं एक नेट करूँगा खुद के ऊपर एंड देखते हैं कि डेथ रिप्ले का सेटिंग आ गया है या फिर ये भी 12 तारीख को आने वाला है। सो यहाँ पे हमें कहीं पे भी डेथ रिप्ले का ऑप्शन दिखाई नहीं दिया है। अगर इसके लिए कोई हिडन सेटिंग है तो भाई पता नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ट्राई किया, काफ़ी सर्च किया बट मुझे मिला नहीं है। आई थिंक ये ऐड होगा बट इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, न्यू सीजन के बाद ये ऐड हो जाए 12 तारीख को, इन्होंने बोला है पैच नोट में। एंड उसके बाद यहाँ पे दोस्तों अगर आप डाउनलोड करते हो इनके रिसोर्स पैक तो यहाँ पे आपको कुछ रिवॉर्ड दिए जाएंगे। वैसे कल ग्लिच अच्छा था, कल का ग्लिच अगर आपने इस्तेमाल किया है तो बेहतरीन है, अगर नहीं किया तो भाई अब क्या कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे बीपी कॉइन एंड सिल्वर कॉइन, उसके बाद यहाँ पे एक हमें पैंट एंड ये पैराशूट का कुछ मिला है। सो ये सारी की सारी चीज़ें थी दोस्तों, उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताना 0.17.0 का ये बड़ा अपडेट आपको कैसा लगा। एंड अगर आपके फ़ोन में अभी तक ये अपडेट नहीं आया है तो आपको अपडेट करने के लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा बताऊँ? आपको सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन को 5 मिनट के लिए स्विच ऑफ करना है एंड उसके बाद ऑन करना है। ऑन करने के बाद 5 मिनट तक आपको वेट करना है, उसके बाद आप अपने जो प्ले स्टोर है उसे ओपन करोगे तो आपको अपडेट मिल जाएगा गारंटी के साथ। सो आपको इसे फॉलो कर लेना है, ऐसे ही मुझे भी मिला है। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।